नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे क्यों हमें बॉलीवुड जिहाद कहे तो कैसा रहेगा। अभी एक फिल्म आई जिसमें खलनायक त्रिपुंड तिलक लगाए हुए हैं और इस फिल्म में सुपर फ्लॉप हो गई है। यह जागृति का शुभ संकेत है। अधिकांश लोग मानते हैं कि पर्दे पर दिखाई देने वाले अभिनेता सच में भी इतना अधिक शक्तिशाली होगा जैसा यह फिल्म में दिखाया जाता है। इनका मानना है कि फिल्म के हीरो हीरोइन सच में उतने ही ईमानदार, दयालु, बुद्धिमान व चरित्रवान होते हैं जितने कि उन्हें पर्दे पर दिखाया गया है, परंतु सत्य इससे अलग है। फिल्म के सितारे निजी जिंदगी में हीरो नहीं होते। अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा या शक्ति कपूर वास्तविक जीवन में अपराधी नहीं होते, परंतु सामान्य व्यक्ति यही मानता है। इसलिए कभी किसी खलनायक को विज्ञापन में नहीं लिया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित फिल्म हीरो यह बताने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए लेता है कि आपके 10 रुपए के विमल पान मसाला में 3 लाख रुपए किलो का केसर है। मैगी का सैंपल फेल होने पर एक हीरोइन ने कहा कि हमारे घर में कोई लैब नहीं लगा है। सच यह है कि आपको उल्लू बना है। फेयर एंड लवली कोई गोरा नहीं हुआ। गोरेपन की क्रीम के कभी काली हीरोइन नहीं ली जाती। ऑलिक्स ऑल कॉम्प्लेक्स आदि को में कोई भी लंबा नहीं होता। थम्सअप से कोई तूफान नहीं होता जैसा सलमान खान बताता है। ड्यू पीने से डर नहीं भागता। स्प्राइट पीने से कोई स्मार्ट नहीं होता। मॉन्टोन्स से दिमाग की बत्ती नहीं जलती। सलीम जावेद लिखित फिल्म में शोले फिल्म के वृद्ध मुसलमान एके हंगल को बेटे की मौत पर नमाज के लिए जीते जाते दिखते हैं तो नायक वीरू धर्मेंद्र को शिव मंदिर में लड़की छेड़ते हुए दिखाना बॉलीवुड और टीवी सीरियल के नज़रिए से हिंदू को कैसे देखा जाता है। एक झलक। ब्राह्मण, ढोंगी, पंडित, लुटेरा, राजपूत, अक्खड़, मुच्छड़, कूर, बलात्कारी, वैश्या या साहूकार, लोभी, कंजूस, गरीब हिंदू, कुछ पैसों या शराब की लालच में बेटी को बेच देने वाला चाचा या झूठी गवाही देने वाला, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम अल्लाह का नेक बंदा, नामिज साहसी वचनबद्ध हीरो हीरोइन की मदद करने वाला टिपिकल रहीम चाचा या पठान, ईसाई जीजस जैसे प्रेम अपनत्व हर बात पर क्रॉस बनाकर प्रार्थना करते रहना। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री सिर्फ हमारे धर्म, समाज और संस्कृति पर घात करने का सुनियोजित षड्यंत्र है और वह भी हमारे ही धन से। सलीम जावेद की जोड़ी की लिखी हुई फिल्मों को देख तो आपको अक्सर बहुत ही चलाकी से हिंदू धर्म का मजाक तथा मुस्लिम ईसाई साईं बाबा को महान दिखाया जाता मिलेगा। इनकी लगभग हर फिल्म में एक महान मुस्लिम चरित्र अवश्य होता है और हिंदू मंदिर का मजाक तथा संत के रूप में पाखंडी ठगी देखने को मिलता है। दीवार का अमिताभ बच्चन नास्तिक है और वो भगवान का प्रसाद तक नहीं खाना चाहता है, लेकिन
786 लिखे हुए बिल्ले की हमेशा अपनी जेब में रखते हैं और वो बिल्ला भी बार बार अमिताभ बच्चन की जान बचाता है। जंजीर में भी अमिताभ नास्तिक है और जया भगवान से नाराज होकर गाना गाती है, लेकिन शेर खान एक सच्चा इंसान है। फिल्म शान में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साधु साधु वेश में जनता को ठगते हैं, लेकिन इसी फिल्म में अब्दुल जैसा सच्चा इंसान जो सच्चाई के लिए जान दे देता है। क्या आपको बॉलीवुड की ये फिल्म याद है जिसके फादर को दया और प्रेम की मूर्ति स्वरूप दिखाया जाता है? तो हिंदू सन्यासियों को अपराधी, जो मीडिया हिंदू संतों पर डर की दिन रात गलत खबर दिखाने में पागल हो गया था, वह आज चुप है। बॉलीवुड प्रायः सदा फिल्मों में हिंदू पात्रों के नाम वाले कलाकारों को किसी इस्लामिक मजार या चर्च से प्रार्थना करते दिखाता है। किसी मुस्लिम या ईसाई पात्र को कभी किसी हिंदू मंदिरों में जाकर प्रार्थना करता दिखाना तो बहुत दूर की बात। इसके विपरीत वह सदा हिंदू मान्यताओं को का परिहास उड़ाते हुए बताया जाता है। इसके विपरीत वह सदा हिंदू मान्यताओं का परिहास उड़ाते हैं, जैसे पंडित को या भगवान की मूर्ति को रिश्वत देना, शादी के फेरे जल्दी जल्दी करवाना, मंदिर में लड़कियां छेड़ना, हनुमान जी अथवा श्री कृष्ण जैसे महान पात्रों के नाम पर चुटकुले छोड़ना आदि आदि दिखता है। परिणाम यह निकलता है कि हिंदू के लड़के लड़कियां हिंदू धर्म को ही कभी गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, वे मंदिर भी नहीं जाते हैं। यहां हम सिनेमा विज्ञापन के इतिहास की एक रोचक जानकारी देते हैं। सिनेमा हॉल के शुरुआती दिनों में यूरोप के सिनेमा में सिगरेट का विज्ञापन दिखाया जाता है। उस विज्ञापन में एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा है, घोड़े को बहुत मंद मंद चला रहा है और सवार भी सुस्त दिखाई देता है। तभी घुड़सवार सिगरेट जलाता है। सिगरेट का कस लगते ही घुड़सवार तन कर बैठ जाता है और घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। इस विज्ञापन से रातों रात सिगरेट की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है।